खरगोन शहर कोतवाली में सोमवार को शादी के नाम पर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां कोर्ट मैरिज के लिए बारात के साथ पहुंचा दूल्हा इंतजार करता रह गया और दुल्हन 1,00,000 रुपए गहने लेकर फरार हो गई। मामले में दूल्हे पक्ष ने लुटेरी दुल्हन गिरोह पर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। कोतवाली पहुंचे धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम ढोल निवासी रामेश्वर वानखेड़े ने पुलिस को बताया कि करीब 4 दिन पहले बुधवार को उसका रिश्ता सेगांव जनपद के ग्राम सांगवी में मायाराम वास्कले की बेटी ममता से तय हुआ था। सुबह वह अपने रिश्तेदारों के साथ शादी के अरमान सजाए कार से बारात लेकर निकला था। खरगोन न्यायालय परिसर में पहुंचने पर दुल्हन ममता, उसका भाई सुरेश बाइक से आए। न्यायालय में कागजी कार्यवाही पूरी होने से पहले उन्होंने कहा कि रुपए दे दो, हम दुल्हन के लिए कुछ खरीदी करना चाहते हैं। रुपए मिलने पर वह बाइक लेकर निकल गए। देर तक जब वह नहीं लौटे तो मोबाइल पर संपर्क किया, किसी ने फोन अटेंड नहीं किया। इस पर हम समझ गए कि हमारे साथ ठगी हुई है। रामेश्वर ने बताया शादी के लिए अपना घर गिरवी रख ब्याज पर रुपए जुटाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। यहाँ पे FIR दर्ज करने आए। ये शादी के नाम पे जैसे हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है कि शादी करवाएंगे कोर्ट से, कोर्ट मैरिज करवाएंगे और 1,00,000 रुपए हमसे ले लिए और फरार हो गया। रिश्ता कब हुआ? रिश्ता बुधवार के रोज हुआ था, उस दिन 10,000 रुपए लिए थे। ये 10,000 रुपए उनको खरगोन में, खरगोन के बाहर एक होटल है वहाँ पे दिए थे। रिश्ता राहुल और जितेन। हाँ, और आज शादी करने के लिए आया था दुल्हन को लेने, और 1,00,000 रुपए लेके दो जने दुल्हन के साथ आए, 1,00,000 रुपए लिए और फरार हो गए। अब FIR करना है अपने को, यही कि अपने पैसे वापस मिल जाए, क्योंकि मकान गिरवी रख के तो पैसे लाए थे ब्याज के 5% के। बारात सही आए? हाँ, बारात लेके आए। बच्चे भी सब आए? दुल्हन भाग गई क्या? हाँ, वो दुल्हन को लेके भाग गए दो जने, उसका भाई। दुल्हन लुटेरे से भागे नहीं होते? क्या नाम है आपका? रामेश्वर वानखेड़े। कहाँ रहते हो? ये धामनोद के पास ढोल। ये शादी करने के लिए बुलाया था, जब मैं दूल्हा बन के आया तो दो जने थे, वो लड़की को लेके आए, बोले कोर्ट मैरिज करेंगे और 1,00,000 रुपए लेके फरार हो गए। ये सांगवी के थे, 8 दिन पहले रिश्ता हुआ था, जब 10,000 रुपए लिए थे और 1,00,000 रुपए आज ले गए। तो आपके साथ कितने की लूट हो गई? 1,10,000। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? ये धामनोद के पास डोल। तो शादी कब तय हुई थी आपकी? बुधवार के रोज। अच्छा, तो आज क्या होना था? आज शादी करनी थी, उस दिन तय हुई थी, उस दिन 10,000 रुपए लिए थे, सगाई हुई थी। क्या नाम है आपका? रामेश्वर वानखेड़े। अभी काय के लिए आए हुए? अभी दुल्हन को लेने आए थे। अच्छा, आप क्या थाने पे क्यों आए? यहाँ थाने पे FIR दर्ज करने आए। क्या नाम है आपका? वो मकान गिरवी रख के पैसे लाए थे 1,00,000 रुपए, तो ब्याज के लाए थे 5% के। क्या नाम है आपका? रामेश्वर वानखेड़े। सर, ये हम क्या है कि एक सगाई की बात हुई थी, एक लुटेरी दुल्हन का गैंग है जो ऐसे गरीब लोगों को लूटते हैं, इनकी क्या बुधवार में सगाई की बात हुई थी। एक रिश्तेदार के नाते एक दलाल आया था जो अपना नाम सुरेश वगैरह बता रहा था, और एक कोई लंकेश करके हैं, इन्होंने आज का समय दिया था, बोले आप बारात लेके आ जाओ तो हम कोर्ट में आपके लव मैरिज करवा देंगे और लड़की आपके सुपुर्द कर देंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो उन लोगों ने हमको रास्ते में पहले रोक लिया, खरगोन के पहले, बोले अपन यहीं अपने बात कर लेते सामाजिक स्तर के, और जो लड़की के लिए ख़रीदना है उसकी लेन देन हो जाए। तो इन लोगों से उन्होंने बात रखी, बोले 1,40,000 रुपये आप हमें दे दो। हमने कहा चलो ठीक है, बात हुई है तो देना चाहिए। फिर इन लोगों ने 1,00,000 रुपये उनको दिए गिन करके, और वो बोले हम मार्केट में जाते हैं ज्वेलरी लेकर के आते हैं और दुल्हन को वहाँ को लव मैरिज करवा देंगे और आपको सुपुर्द कर देंगे। ये हुआ तो ये बेचारा दलित व्यक्ति है, हमारे गाँव का है और गरीब व्यक्ति है, मकान बेच करके राशि इकट्ठी की और लुटेरे दुल्हन 1 मिनट में ले लूट करके भाग गई है। कहाँ की थी दुल्हन? दुल्हन यहाँ जलालाबाद के कोई खीड़ी गांव है, यहाँ की है वो। अच्छा, आप कहाँ से आए थे बताते? हम धामनोद थाने से आए थे, धामनोद थाने के पास एक डोल गांव है, वहाँ से आए थे। मैं उस गांव का सरपंच हूँ, ये भी मुझे साथ में लेकर के आए थे। तो ये ठगी हुई है जी, हम बारात में शामिल, सारे बच्चे भी सब बारात में आए हुए हैं, तो हमारे साथ ठगी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पटेल, उप सरपंच ग्राम पंचायत पंधान्या।
नाम आया है मेहरजोया गांव का, उसको पकड़ा जाएगा। अभी भी हमने एक पार्टी भेजी थी लेकिन वो घर पर नहीं है। बाकी कुछ लोग पुराने इस तरह के बदनाम हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनसे भी सुरागरसी की जाएगी। सर वो नाम भी उसके बदल बदल के बताया जा रहा है, कभी ममता बोलते हैं, वैनिली बोलते हैं। जाकर इन लोगों से तो ममता मिल के कोतवाली थाने में एक फरियादी पहुंचा है, बोल रहा है कि उसके लूट लिया, उसके साथ शादी के नाम पर लूटा गया, 1,10,000 रुपये लूट लिया उसको। देखिए अभी एक आवेदक जो दूल्हे के भेस में है उसने थाने पर आकर एक कंप्लेंट की है कि रामेश्वर खेड़े नाम है उसका, धामनोद थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसका कहना है कि कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया और एक फ़ोटो दिखाया और लड़की से मिलवाया भी, और उसको ये बोला कि 1,10,000 रुपये, ये लड़की गरीब है, इसको इसके माँ बाप को देना पड़ेंगे और तुम्हारी इसकी शादी करा देते हैं। दोनों की शादी की बात पक्की करी और 10,000 रुपये पहले एडवांस ले लिए और आज 1,00,000 रुपये लेने के लिए ये दोनों पार्ट आए और कोर्ट में उसका लिखा पढ़ी कराई जानी थी। टेमला रोड पर वो महिला और उसके दो साथी मिले और इनको कहा कि हम सराफा से ज्वेलरी खरीद के आते हैं, आप कोर्ट चलो, और वो पैसे लेके फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे धर्मवीर सिंह उन साहब के संज्ञान में हमने बात डाली तो उन्होंने कहा कि ये तत्काल इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। हमने कुछ मीडिएटर्स को, एक दो लोगों को अभी पूछताछ कर रहे हैं, बिठाला है और इस पूरी गैंग का पर्दाफाश करेंगे और इस तरीके से जो भोले वाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं उनको पकड़ कर पर्दाफाश किया जाएगा। फोटो भी बताई है? हाँ, उन्होंने फोटो बताई है। गैंग भी हो सकता है? हाँ, ये गैंग निश्चित रूप से गैंग हो सकता है जो इस ग्रामीण इलाकों में इस तरीके से करके, और फिर बाद में कई बार ये स्थिति आती है कि शादी होने के बाद फिर लड़की 5-7 दिन बाद चली जाती है तो वो घर वाले सोचते हैं कि कहीं अपन किसी दहेज या अन्य प्रकरण में न फंस जाएं, तो सब कई बार हमारे पास तक नहीं आ पाते हैं। पर ये शादी के पहले ही ये घटना घटित हुई है, तो निश्चित रूप से ये देखने में ही लूट की वो जो धोखाधड़ी की और अमानत में खयानत का प्रकरण है, इसमें हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसकी विशेष टीम लगाकर इसमें शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। कोर्ट में शादी की बात की गई थी उससे? हाँ जी, आज कोर्ट में वो लड़का कोर्ट में आया और वो उसको पहले टेमला में मिले जो जिन्होंने मिलवाया था और लड़की भी मिली थी ऐसा उसका कहना है, और वहाँ उससे 1,00,000 रुपए लिए कि हम सराफे से ज्वेलरी खरीद कर लाते और तो आप कोर्ट में चलो। जब वो कोर्ट में काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा तो जो संबंधितों के नंबर थे मोबाइल, वो नंबर बंद मिले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।